नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली शेख और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि आप अपने मास्टरबेशन को किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ फर्स्ट सेक्स के बारे में। अक्सर कर मैंने सुना है कि लोग जब फर्स्ट सेक्स के बारे में बताते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वो एक दुखद घटना की तरह, उन्हें एक नाइटमेयर की तरह उनके दिमाग में और दिल में बैठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके चिरपरिचित मित्र उनको कुछ ऐसी भ्रांतियों में फंसा देते हैं जिससे वह बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उसे इंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपने फर्स्ट सेक्स को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो समय ना गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं। टिप नंबर एक, लिंग साइज। अक्सर अगर आपने पॉर्न वीडियोज़ में देखा होगा कि वहाँ पर लिंग साइज को बहुत ज़्यादा फोकस और एक्सपोज करके दिखाया जाता है तो एक भ्रांति मन में बैठ जाती है कि आपके लिंग का साइज छोटा है, आप किसी औरत को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की बहुत भ्रांति आपने सुनी होगी, आपके दोस्तों ने बताई होगी। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत मानना है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। एक हम हिंदुस्तानी औसत मानव की अगर लिंग का साइज देखें तो 4 इंच से लेकर 6.5 इंच तक का होता है। अगर उसमें से अगर आपका साइज है तो आप किसी भी औरत को बहुत अच्छे से संतुष्ट कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि लिंग का साइज मैटर करता है या नहीं करता। आप सेक्स से पहले फोरप्ले कीजिए और वो आपकी सेक्स को एंजॉयमेंट को बढ़ा देगा। टिप नंबर 2, नेचुरल इरेक्शन टाइम। इसका मतलब है कि आपका लिंग कितने समय तक खड़ा रह सकता है। आपने पॉर्न वीडियोस में देखा होगा कि वो लोग 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट तक सेक्स कर सकते हैं। तो ये ऐसा नेचुरल में कहीं भी संभव नहीं है। वो सेक्स करने से पहले उनको प्रॉपर प्रैक्टिस की जाती है और उससे पहले मेडिसिन भी लिए जाते हैं। मेडिसिन का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होता है, बट जहाँ आपको पैसे कमा रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप उस पक्ष पे नहीं जाए, एक नेचुरल सेक्स टाइम होता है वो 3 से 5 मिनट का होता है। अगर आपका 3 से 5 मिनट है तो आप बिल्कुल सही है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, आप फर्स्ट टाइम सेक्स करने जाएंगे तो आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे या बहुत जल्दी आप स्खलित हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये नॉर्मल, जस्ट लाइक आपको ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। कुछ सेक्स पोजीशंस हैं जिनके बारे में आगे वाली वीडियोस में कभी बात करूंगा। सेक्स पोजीशंस हैं, फोर प्ले के द्वारा उन सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 3, फर्स्ट टाइम सेक्स करने से पहले, शुरुआत करने से पहले सिर्फ जाके आपको सेक्स ही नहीं करना, पेनिट्रेशन स्टार्टिंग से नहीं करना, उससे पहले आपको फोर प्ले करना है। फोर प्ले का एंजॉयमेंट कीजिए, आप अपने पार्टनर को भी उतनी अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड कर पाएंगे और आप अपने आप को भी उतनी ही अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड कर पाएंगे। फोर प्ले में आप किसिंग कर सकते हैं, ओरल सेक्स है, ऑल द स्टफ जो आपको पसंद आ रहा है वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। टिप नंबर 4, सेफ सेक्स। सेफ सेक्स के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप कॉन्डोम को यूज़ करें। और कभी कभी एक्साइटमेंट में देखा गया है कि लोग उल्टा कॉन्डोम पहन लेते हैं, ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप गलती से उल्टा कॉन्डोम पहन लेते हैं तो आप उसे फिर से सीधा करके ना पहने, क्योंकि इससे क्या होता है आपके लिंग के अग्र भाग में जो शुक्राणु होते हैं वो कॉन्डोम के उस वाले भाग पर लग जाते हैं और जैसे ही आप उसे उल्टा करते हैं तो वो वाला भाग आगे की साइड आता है, इससे प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं, कॉन्डोम गलती से उल्टा पहन भी लिया गया है, तो उसको उतार के फेंक दें और दूसरा कॉन्डोम उस जगह पे यूज़ करें। मुझे एक बात पता चली है कि अक्सर कर लोग सोचते हैं कि डबल कॉन्डोम पहनने से प्रेगनेंसी का खतरा ज़्यादा कम हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये अगर आप डबल कॉन्डोम पहनते हैं तो इससे प्रेगनेंसी का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों कॉन्डोम में लुब्रिकेंट्स होते हैं और जब आप पेनिट्रेशन कर रहे होते हैं या स्ट्रोक्स दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे कॉन्डोम स्लिप होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर कॉन्डोम स्लिप हो जाता है देन प्रेगनेंसी का खतरा बिल्कुल बन सकता है। तो प्लीज़ एक कॉन्डोम यूज़ कीजिए, डबल कॉन्डोम यूज़ ना करें। टिप नंबर 5, अगर आप फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहे हैं तो आपका सेक्स एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सेक्स के टाइम पे स्ट्रेस फ्री रहें। आप फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखें। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेस आएगा, एक डर रहेगा कि आप कैसे करेंगे, आप किस तरीके से कर पाएंगे, और ऐसा करने पर आप न तो खुद सेटिस्फाइड हो पाएंगे और ना ही आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो सेक्स एक अनुभूति है, जो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक अनुभूति है जिसे आप अपने दिमाग दिल से महसूस करेंगे, और जितना ज़्यादा इसे महसूस करेंगे, जितना तल्लीनता से आप इसे इंजॉय करेंगे, उतना ही आनंद आपको मिलेगा इस एक्टिविटी में। आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये सारी टिप्स आपके फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अच्छा बनाएंगी और आपकी ये मदद करती हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुक्रिया।